हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हॉस्पिटल वायरिंग कैसे करते हैं यह देखेंगे। हॉस्पिटल वायरिंग के लिए फ्रेंड्स हमने एक फैन रेगुलेटर लिया है और दो स्विच लिए हैं, जिसमें से एक टू वे स्विच है। टू वे स्विच में तीन टर्मिनल रहते हैं और एक स्विच है हमारे पास, और दो बल्ब होल्डर, ये बल्ब होल्डर और दो बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी हम वायरिंग कर लेते हैं। तो वायरिंग के लिए फ्रेंड्स हमने पहले जो फेज के लिए वायर यूज़ करेंगे वो ऑरेंज कलर की वायर है, और न्यूट्रल के लिए हम ब्लू कलर की वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले फ्रेंड्स हम इसमें इनपुट फेज वाली वायर कनेक्ट करेंगे। ये स्विच में इनपुट फेज कनेक्ट कर देते हैं, जो इनपुट फेज आएगा वो वाली वायर। और इसके बाद हम इस जो स्विच है, स्विच के आउटपुट में वायर कनेक्ट करेंगे। ये और इस वायर का दूसरा एंड हमको बल्ब होल्डर में कनेक्ट कर देना है। ये बल्ब होल्डर है यहाँ, और इसी के साथ हम आगे जो फेज जाएगा वो वाली वायर भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये साथ में ही दोनों वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमने बल्ब होल्डर में कनेक्ट की, और इस वायर का दूसरा एंड हम जो दूसरा बल्ब होल्डर है उसके एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ये यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने फेज वाली वायर इसमें कनेक्ट कर ली। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल की जो वायर है वो ब्लू कलर की वायर है। ये हम डायरेक्ट होल्डर में कनेक्ट करेंगे एक इनपुट जो है, और साथ में एक आगे होल्डर के लिए जो वायर जाएगी न्यूट्रल वाली वो भी कनेक्ट कर लेंगे। तो ये दोनों वायर हम आपस में ट्विस्ट करके और इसी टर्मिनल में एक साथ कनेक्ट कर देंगे। और ये जो वायर हमने न्यूट्रल वाली जो कनेक्ट की है फ्रेंड्स, उसको हम होल्डर में की बजाय ये जो टू वे स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है यहाँ कनेक्ट करेंगे इसको। ये वाली वायर हमने न्यूट्रल वाली यहाँ कनेक्ट कर ली। अब फ्रेंड्स ये जो टू वे स्विच है इसके सेंटर वाले टर्मिनल में एक वायर कनेक्ट करेंगे। और इस वायर का दूसरा एंड हम बल्ब, जो एक में हमने फेज इनपुट फेज वाली वायर कनेक्ट कर दी और दूसरे में हम न्यूट्रल वाली वायर यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये वाली वायर दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर लेंगे। और अब फ्रेंड्स जो हमारा फैन रेगुलेटर है उसके कनेक्शन और कर लेते हैं। ये जो फैन रेगुलेटर है इसकी जो कनेक्शन है, इसमें दो वायर हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट वाली जो वायर है, हम ये इनपुट और आउटपुट, हम इनमें से कोई भी एक वायर को इनपुट बना सकते हैं।
तो एक वायर हम जो इनपुट फेज आया है उसमें कनेक्ट कर देंगे। यहाँ ये इनपुट फेज वाली वायर आई है, इसके साथ यहाँ इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये और इसकी आउटपुट वाली वायर, एक इनपुट बना दी हमने और एक आउटपुट, ये वायर हम टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ये टू वे स्विच है, इसके नीचे वाले टर्मिनल में यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। ये फ्रेंड्स हमने वायरिंग कंप्लीट कर ली है, अब इसमें हम बल्ब लगा देते हैं होल्डर में। ये बल्ब हमने होल्डर में लगा दिए, अब इसके बाद हम इसमें न्यूट्रल और फेज वाली वायर कनेक्ट कर देंगे, न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ और फेज वाली वायर फेज के साथ। कलर की वायर को हमने न्यूट्रल में कनेक्ट किया है, ऑरेंज कलर की वायर हमने फेज में। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। ये जो स्विच है इसको ऑन करेंगे तो दोनों बल्ब ऑन हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों बल्ब अभी ऑन है। अगर हमको रोशनी कम चाहिए, रूम में रोशनी कम चाहिए, उस टाइम क्या है, ये जो टू वे स्विच है इसको ऑन कर लेंगे, उसमें क्या होगा, एक बल्ब ऑफ हो जाएगा और दूसरा जो एक है वो ऑन रहेगा। अगर इससे भी हमको कम रोशनी चाहिए और दोनों बल्ब ऑन भी होने चाहिए तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो स्विच है इसको ऑफ कर देंगे। और जो हमने फैन रेगुलेटर लगाया है, ये जो फैन रेगुलेटर का जो यूज किया हमने, इसकी जगह डिमर स्विच रहता है, उसकी से ये लाइट जो रोशनी है वो कम हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये स्विच हमने ऑफ किया और जैसे ही हम फैन रेगुलेटर को ऑन करेंगे तो ये दोनों बल्ब ऑन हो जाएंगे। ये देखिए कम रोशनी में ऑन हो जाएंगे। तो ये फैन रेगुलेटर जहाँ हमने यूज किया, यहाँ डिमर स्विच लगता है फ्रेंड्स, उससे हम जो ये जो बल्ब है उसकी रोशनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे जैसे हम इसको फैन रेगुलेटर को घुमाएंगे उतनी रोशनी हमको जितनी चाहिए रूम में उतनी रोशनी मिलेगी। अगर हम इसको एक ही बल्ब को ऑन करना है, दोनों नहीं जलाने, तो उस टाइम ये स्विच को ऑन कर देंगे। तो ये देखिए अभी ये एक बल्ब पूरा ग्लो कर रहा है, और दोनों जलाने हैं तो इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। और कम रोशनी में अगर ऑन रखने हैं तो ये वाले स्विच को ऑफ कर देंगे और ये जो डिमर स्विच है इसको घुमा देंगे यहाँ से। इसको ये जो स्विच है इसको ऑफ रखना पड़ेगा हमको, उसमें ऑन रखना पड़ेगा, सॉरी ये जो स्विच है इसको ऑन रखना पड़ेगा, तो उसमें ये दोनों बल्ब ऑन हो जाएंगे। ये देखिए जितना हमको रोशनी चाहिए उस हिसाब से हम इसको, ये डिमर स्विच जो फैन रेगुलेटर लगा रखे हमने इसकी जगह डिमर स्विच रहेगा, उसके जरिए हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।